देखिए, एकाएक अंबा आवास पे ईडी के अधिकारियों की हलचल तेज हो गई है। आपको बता दूं, अभी कुछ देर पहले जो उधर आवास आपको दिखाई दे रहा है, उस आवास पे ईडी के अधिकारियों की रेड चल रही थी, लेकिन यहीं से 50 मीटर की दूरी पे अंबा का दूसरा आवास है। मैं दिखाना चाहूँगा अंबा प्रसाद का वो दूसरा आवास जो यहाँ पर दिख रहा है, और अब वहाँ पर भी आपको सुरक्षा गार्ड दिखाई दे रहे होंगे। यानी कि अब इस दूसरे आवास को भी खुलवाने की कोशिश की जा रही है। इस आवास में एंट्रेंस के जितने भी रास्ते हैं वहाँ पे सीआरपीएफ जवानों की तैनाती कर दी गई है। एकाएक अंबा प्रसाद के इस आवास पे भी हलचल तेज हो गई है, और ईडी के अधिकारी इस दूसरे आवास को भी खुलवाने का प्रयास कर रहे हैं। लगभग 6:30 से 7 बजे के बीच ईडी के अधिकारियों ने अंबा प्रसाद के आवास तथा उनके लगभग 8 करीबियों के आवास पर हजारीबाग में दस्तक दी थी। लगभग 40 की संख्या में ईडी के अधिकारी यहां पहुंचे हैं, और अभी का जो अपडेट है वो ये है कि सुबह से जो रेड थी अंबा प्रसाद के पुराने आवास में चल रही थी, ये नया आवास है। इस आवास को भी अब खुलवाने का प्रयास किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि वहाँ से ऐसी क्या जानकारी मिली जिसके बाद ईडी के अधिकारी यहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं और इस आवास को भी खुलवाने का कोशिश किया जा रहा है। हालांकि अभी तक इस आवास को खोला नहीं गया है, बाहर सुरक्षा गार्ड की तैनाती कर दी गई है। आपको सामने महिला बटालियन दिख रही होगी, सीआरपीएफ की महिला बटालियन भी अपने सुरक्षा के लिए यहाँ पर पहुँची हुई है। आपको बता दूँ, काफ़ी संख्या में समर्थक भी, अंबा प्रसाद के समर्थक यहाँ मौजूद हैं। मैं दिखाना चाहूँगा, ये जो भीड़ दिख रहा है उनके समर्थकों का है। रहकर समर्थक हल्का विरोध भी कर रहे हैं। देखना ये होगा कि क्या कुछ निकल कर सामने आता है, क्यों ईडी के अधिकारी पुराने आवास से अब नए आवास का रुख कर रहे हैं, ऐसी क्या जानकारी वहाँ मिली है, उस जानकारी के बाद इस आवास को खुलवाने का कोशिश किया जा रहा है। शशांक शेखर, न्यूज़ 22 स्कोप, हजारीबाग। बच्चों को दिला रही है क्वालिटी एजुकेशन, तो अब धनबाद से बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि धनबाद में ही खुल गया है DY पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, जहां लड़कियों से नहीं ली जाती एडमिशन फी। साथ ही इस साल एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट को जब तक वो स्कूल में पढ़ेंगे तब तक ट्यूशन फी में मिलेगी 20% की छूट। क्वालिटी फैकल्टी, स्टेम लैब, बिग प्ले ग्राउंड, बस फैसिलिटी, यानी कंप्लीट स्टूडेंट फ्रेंडली एनवायरमेंट। DY पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, कैलाशपुरम, नियर मेम को मोड़, धनबाद। एडमिशन ओपन। धनबाद और गिरिडीह का सबसे बड़ा डायग्नोस्टिक सेंटर अविष्कार डायग्नोस्टिक, यहाँ MRI 3 टेस्ला, फाइब्रोस्कैन लिवर, सिटी स्कैन, 512 स्लाइस, कार्डियक जैसी सारी जांच की सुविधा, पैथोलॉजी और एम्बुलेंस की भी सुविधा। बरगंडा गिरिडीह, बैंक मोड़ और सराय थेला, धनबाद।